नमस्कार दोस्तों, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल ने पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का जो फाइनल रिज़ल्ट है यानी आरएसी इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसके लिए आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर DET 2022 RAC, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा DET 2022 RAC रिज़ल्ट। ठीक है, 29th of June 2022, एंड हियर इज़ द लिस्ट ऑफ डिक्लेयर्ड रिज़ल्ट एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स: एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स एंड जियोलॉजी, होम साइंस, लॉ, मैग्नेट स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, योगिक साइंस, जूलॉजी। ओके, सो जो भी स्टूडेंट हैं इस सब्जेक्ट्स के, इनके रिज़ल्ट जो हैं डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है। सपोज़ अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख पाएंगे DET 2022 RAC इंटरव्यू स्टूडेंट लिस्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी इस तरह से आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, DET 2022 PhD सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्वालिफाइड फॉर RAC इंटरव्यू स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, RAC कब कंडक्ट किया था उस तरह से, और इनके जो लिस्ट हैं वो दिए गए हैं, तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं आपका जो भी इसमें रोल नंबर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपका डायरेक्ट इसमें नाम लिस्ट में है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि 100 में कितने नंबर्स आपके आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और उसमें इतने नंबर आपको मिले हुए हैं। और सेकंड है यहाँ पर रिमार्क्स में पास्ड है, तो जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इस तरह से 24, तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का आप खुद जो है चेक कर सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर एक्वाकल्चर में है तो चेक कर सकते हैं एक्वाकल्चर की। ठीक है, एंड एक्वाकल्चर में इस तरह से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी पूरी जो है लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप इस तरह से उसमें जो है चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिल जाएगा मेरिट वाइज रिज़ल्ट RAC 2022। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना चेक कर सकते हैं। रोल नंबर भी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, कैटेगरी है, RAC टोटल मार्क्स इन परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज वाइज दिया गया है। ठीक है, सुपरवाइज़र का भी नाम दिया है, आपका को सुपरवाइज़र भी है, रिसर्च सेंटर भी अलॉटेड है। ठीक है, सो यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स ओवर हियर। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लाइक रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड सम सब्जेक्ट्स आर हियर, है ना, यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स फॉर दैट। डांस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी एंड उर्दू, इन सभी सब्जेक्ट्स के या डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, RAC का रिजल्ट नहीं आया है। और बाकी इसमें जितने भी बाकी डिपार्ट सब्जेक्ट थे जैसा मैंने आपको बताया है, तो आप चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके। जूलॉजी में देख सकते हैं अगर आपका है तो क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा, DET 2022 RAC रिज़ल्ट जूलॉजी। ठीक है, तो उस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना देख सकते हैं, तो ये पूरी लिस्ट इस तरह से आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, मेरिट वाइज रिजल्ट REC 2022, जियोलॉजी में है अवेलेबल सीट 118, अलॉटेड सीट मेरिट वाइज 27, प्रेजेंट 27, एब्सेंट 13, टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स 40, ठीक है। अब इसमें फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंतर्गत आता है जियोलॉजी। अब इसमें जितने भी हैं स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, कैटेगरी है, REC टोटल मार्क्स इन परसेंटेज में है, कितने परसेंट हैं, देन सुपरवाइजर्स नेम है इफ़, और उसके बाद को सुपरवाइज़र का भी नाम है इफ़ उनको है तो दे हैव, एंड रिसर्च सेंटर का भी डिटेल है, कौन सा रिसर्च सेंटर अलॉट हुआ है। ओके, सो यू कैन फाइंड आउट योर डिटेल ऑन दिस मेरिट लिस्ट। ओके, एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। ओके, फाइनल जो आपका इंटरव्यू था उसके बाद अब जो है आपका PhD में कन्फर्म हो गया, यानी आप कोर्स वर्क करेंगे उसके लिए है। तो REC इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है, जो कि इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए थे उनकी ये लिस्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट। तो ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने ये जारी कर दी है, तो आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।